देखने सुनने वालों के नाम को सलाम पहुंचे। दोस्तों बहुत परेशानी थी, बहुत मैंने कभी कानून इस ये नहीं पढ़े थे, तो अब रेवेन्यू के कानून मैंने पढ़े हैं, जो लॉज हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट हैं। अगर किसी की मलकियत से ज़्यादा उसके पास ज़मीन है कब्ज़ा में, तो क्या वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी अगर एक कनाल ज़मीन है और मैंने 33 मरले पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो 3 मरले तो मेरी मलकियत नहीं है। तो वो जिसकी मलकियत है वो एक दरख्वास्त देगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर को या इसी को कि मेरी इतनी ज़मीन है, ये फ़िलहाल शख्स के पास है, बरा मेहरबानी इसकी पैमाइश कीजिए और मेरा रकबा वापस दिलाया जाए। वो पटवारी या पटवारी को भेजते हैं, पैमाइश हो जाती है, फालतू रकबा निकल आते, वो रिपोर्ट पेश कर देता है, फिर रेवेन्यू वो हुक्म साजा करते हैं कि रकबा खाली करें, न करते फिर पुलिस जाके उसको विकेट करा देती है। अगर ऐसा कानून ना होता तो फिर तो लोग ज़बरदस्ती या भूले चुके से दूसरों की रकबों पर कब्ज़ा कर लेते। ये भी परेशानी अब दूर हुई, चले अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो डूबी चीज़ें हैं वो अब मिल जाएंगी, इसमें कोई रुकावट कोई भी नहीं डाल सकता।